आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे गेट 2020 का, जो कि आपका फ्रोबेनियस सीरीज मेथड पे बेस्ड है। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। सो यहाँ पे फाइव वन एंड फाइव टू आर टू लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड फाइव वन एट पॉइंट जीरो इज इक्वल टू जीरो, देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स टू द पावर एन इनटू फाइव टू एक्स अपॉन फाइव वन एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसमें आपसे वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन पूछ रहा है सच दैट आपका जो लिमिट है एक्स टू द पावर एन इंटू फाइव टू अपॉन फाइव वन का जो लिमिट है एक्सटेंडिंग टू जीरो, वो आपका जीरो होना चाहिए। ठीक है, सो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए फाइव वन और फाइव टू, इसके जो दो सोल्यूशन है, राइट। सो इसके सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमें थोड़ा सा फ्रोबिनियस मेथड का थ्योरी रिकॉल करना पड़ेगा। सो हम पहले सम थ्योरी रिकॉल करते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग सेकेंड ऑर्डर की देखते हैं, तो उसका एक जनरल फॉर्मेट हम इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, जो इक्वेशन स्टार से दिया गया है, तो सबसे पहले हमें रेगुलर सिंगुलर पॉइंट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो अगर एक्स इक्वल टू जीरो की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सो एक एक्स इक्वल टू जीरो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा अगर आपका सपोज ये जो वाई टेस्ट का जो कोफिशियंट है, इसको मैं जी एक्स अपोन एफ एक्स लिख रही हूँ, या फिर आप ऐसे जो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको समथिंग आप इस टाइप से कुछ लिख सकते हैं, वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू जीरो। मीन्स आप जो वाई डबल टेस्ट का जो कोफिशियंट है उसको हम वन बना देते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपका ये जो पी एक्स और जो क्यू एक्स है, ठीक है, अगर ये एक्स इक्वल टू जीरो पे एक्स इंटू पी एक्स एंड एक्स स्क्वेयर इंटू क्यू एक्स, अगर ये आपका एनालिटिक है एट पॉइंट जीरो, तो हम बोलेंगे कि एक्स इक्वल टू जीरो जो है वो आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स इंटू पी एक्स की जो है कुछ फाइनाइट होनी चाहिए, और सिमिलरली लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर इंटू क्यू एक्स की जो है फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तब हम बोल देंगे कि आपका जो ये एक्स इक्वल टू जीरो है एक आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, राइट। ओके, सो ये हो गया कंसेप्ट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट का। तो अगर आपका एक्स इक्वल टू जीरो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है गिवन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आप फ्रोबिनियस सीरीज मेथड वहां पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसको अप्लाई करने के बाद इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, तो उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरी रिकॉल करेंगे, जो कि है इंडिशियल इक्वेशन। ओके, सो ये इंडिशियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो एक्स इंटू ये जो वाई डेस का कोफिशियंट है, और वाई डेस का कोफिशियंट कब आप देखेंगे, जब वाई डबल डैश का जो कोफिशियंट है वो वन बना देंगे। तो अगर इस स्टार इक्वेशन में हम देखें तो वाई डैश का कोफिशियंट अगर हम वन बनाएंगे तो जी एक्स अपॉन में एफ एक्स वाई डैश प्लस आर एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये जो वाई डैश का कोफिशियंट है, तो ये आपका जी एक्स अपॉन एफ एक्स हो गया इंटू एक्स, इसका लिमिट जो आ रहा है उसको आपने पी नाम दे दिया है, और एक्स स्क्वेयर इंटू आर एक्स अपॉन एफ एक्स इसकी लिमिट को आपने क्यू नाम दे दिया है। ठीक है, अब ये सब दोनों आपने पी और क्यू फाइंड आउट कर लिए, इसके बाद में आप इंडिशियल इक्वेशन लिखेंगे आर इंटू आर माइनस वन प्लस पी आर प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, ये आपका हो गया इंडिशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इस इंडिशियल इक्वेशन को आप सोल्व करिए और इसके रूट फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो सपोज आपका ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो यहाँ से आपको दो रूट्स फाइंड आउट होंगे। सपोज इसको हमने आर वन आर टू नाम दे दिया है, अब अगर ये आर वन आर टू है इनका जो डिफरेंस है वो इंटीजर नहीं है, ठीक है, तब इसका जो सॉल्यूशन है वो आपका इस टाइप से दिया होता है, वाई वन आपका होता है एक्स टू द पावर आर वन इंटू सी नोट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स टू द पावर टू प्लस सो ऑन, इस टाइप से चलता रहेगा। और जो सेकंड इसका जो सोल्यूशन है वो होता है एक्स टू द पावर आर टू ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपका सोल्यूशन दिया होता है। एक्चुअली ये एक सीरीज सोल्यूशन होता है जिसका जो जनरल फॉर्मेट आपका इस टाइप से होता है सी एम एक्स टू द पावर एम प्लस आर, एम आपका जीरो टू इन्फिनिटी होता है, और यहाँ पे जो आर है ये आपके रूट्स होते हैं, जो आपकी इनिशियल इक्वेशन होती है इसके रूट्स होते हैं। बाद में ये जो सोल्यूशन होता है वो आपका डिपेंड करता है कि आपके जो रूट्स हैं
वो किस टाइप के आ रहे हैं, आपके सेम आ रहे हैं या फिर डिफरेंट आ रहे हैं, और अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो वो उनका जो डिफरेंस है वो इंटीजर है या फिर नॉन इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो केस है वो नॉन इंटीजर का है, तो इस केस में हमारा जो सोल्यूशन है वो इस टाइप से होगा। ओके, तो ये तो थी थ्योरी जो हमें अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आने वाली है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा था, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है वो आपकी ये सेकेंड इक्वेशन से दी हुई है, 2x² y" - x + x² y" + x² - 2y, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे x = 0 आपके रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे चेक कर लिया है कि लिमिट x tending to 0, x इंटू जो y' का कोफिशियंट है आफ्टर मेकिंग कोफिशियंट ऑफ y" इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका लिमिट आपका -1/2 आ रहा है जो कि फाइनाइट नंबर है, और लिमिट x tending to 0 x² कोफिशियंट ऑफ y, ठीक है, ये आपका -1 आ रहा है जो भी जो कि फाइनाइट है। तो यहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं कि जो x = 0 है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, तो यहाँ पे फ्रोबिनियस सीरीज मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए हमें इनिशियल इक्वेशन चाहिए होगी, तो उसके लिए हमें p और q की वैल्यू चाहिए होगी जो कि आपका -1/2 और -1 है। तो इसके बाद में हमें ये वैल्यू पुट करके इनिशियल इक्वेशन सॉल्व कर देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो इनिशियल इक्वेशन है वो आपका r * r - 1 - 1/2 r - 1 ये आ गया है, और इसको सॉल्व करने के बाद हमने इसके रूट्स फाइंड आउट कर लिए हैं जो कि आपके -1/2 और 2, ठीक है। ये दो रूट्स हमें मिल गए हैं, और इस रूट को लिखने के बाद अभी जो हमने सॉल्यूशन देखा था उससे हमने ये दो सॉल्यूशन लिख दिए हैं, राइट। सो अब हमारे पास दो सॉल्यूशन तो आ गए हैं, ठीक है। बट अब हमारे जो क्वेश्चन था उसमें आपको क्या दिया हुआ था, 5 1 = 0, ठीक है, क्योंकि इसके जो सॉल्यूशन है वो 5 1 और 5 2 दे रखे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन है कि हम इस y1 और y2 में किसको हम 5 1 मानेंगे और किसको 5 2 मानेंगे, ठीक है। अगर हम 5 2 की जगह 5 1 रख दिया तो उसका जो आंसर है वो कुछ और आ सकता है। सो हमें यहाँ पे अब ये देखना है कि 5 1 कौन सा होगा और 5 2 कौन सा होगा। तो हमारे जो क्वेश्चन है उसमें ये कंडीशन दी हुई है कि 5 1 0 पे 0 देगा, ओके। अब आप इन दोनों पे 0 पुट करके देखिए किस पे 0 आ रहा है। तो अगर y1 में अगर हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आपका इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। बट अगर y2 में अगर हम 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपका 0 आ जाएगी। तो यहां से हम देख सकते हैं जो y2 है वो आपका 5 1 है और जो y1 है वो 5 2 है, राइट। सो अब हमें यहाँ पे 5 1 और 5 2 की वैल्यू पता चल गई है। अब हमें जो फाइंड आउट करना है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फाइंड आउट करना है, सच दैट आपका x^n इंटू 5 2 / 5n की जो लिमिट है x → 0 वो आपका 0 आना चाहिए। तो पहले यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी तो आपका ये चीज आ गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x = 0 पुट करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन में तो हमारे पास सिर्फ सी नोट बचेगा और इसमें ए नोट बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा 0 कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा, जो मेन हमें दिक्कत आएगी वो x की पावर्स में आएगी, ठीक है। तो अगर x की पावर्स को हम सोल्व करें और सोल्व करने के बाद अगर आपकी x की पावर समथिंग नेगेटिव आ गई तो आपका x → 0 जो है वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। बट अगर x की पावर समथिंग पॉजिटिव आ गई उस केस में आपका जो लिमिट है ये 0 होगा, ठीक है। तो हम इस x की पावर्स को सोल्व करते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर हम इस x की पावर जो 2 है नीचे उसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो आपका ये हो जाएगा x^n (x^-1)/(x^-2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 )/(x^
इसको और सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे तो आपका ये इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये जो एक्स की पावर है ये अगर आपकी नेगेटिव हुई तब तो हमारी लिमिट इन्फिनिटी मिलेगी, बट अगर ये पॉजिटिव हुई उस केस में हमें जीरो मिलेगी। तो हमें जीरो के लिए चेक करना है, तो हमें जो कंडीशन चेक करनी है कि आपकी जो पावर है ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो बस आप कंडीशन अब यहाँ से एन की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहाँ से आपका एन जो है वो ग्रेटर देन माइनस सॉरी 5/2 से आ जाएगा, तो यहाँ से आपका एन ग्रेटर देन आ गया 2.5। बट यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, तो
तो 2.5 से बड़ा इंटीजर आपको मिलेगा 3, ठीक है, क्योंकि 2 तो आप ले नहीं सकते क्योंकि एन जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2.5 है। तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3 मिल जाएगी। तो आपकी जो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो है वो आपको 3 मिलेगा, सच दैट इसकी जो लिमिट है आपकी वो 0 होगी, ठीक है।